एक नया रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देख सकते हैं, ये मैं आधा किलो लौका ली हूँ। इसको छोटा छोटा पीसेस में छील के धो के अच्छे से काट ली हूँ। ये आप देख सकते हैं, चना का दाल है। इसको मैं आधा घंटा पहले इसको फुला दी थी, भिगो दी थी। यह अभी फूल चुका है हल्का, देख सकते हैं, हल्का फूला है, देख सकते हैं। और ये एक मुट्ठी में डाली थी, अभी फूल के ये थोड़ा ज्यादा हो गया है। अब मैं इसका इसका सब्जी बनाऊंगी। तो ये दोनों को मैं कुकर में डाल के इसको बॉयल करना है। इसके लिए मैं कुकर ली हूँ, देख सकते हैं। इसमें मैं लौकी को डाल दूंगी। ये बहुत ही अच्छा रेसिपी है, जिन्हें लौका नहीं भी पसंद है वो भी खूब चाव से खाएंगे। देख सकते हैं, इस तरीके से दाल को भी डाल देना है। अभी मैं इसमें डालूंगी नमक, देख सकते हैं, आधा चम्मच में नमक डाली हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक को डाल सकते हैं। और आधा चम्मच में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी पानी। मैं इसमें 2 कटोरा पानी डाल रही हूँ, 1 कटोरा पूरा, 1 कटोरा थोड़ा सा कम मैं डाल रही हूँ, देख सकते हैं। तो पानी को डाल ली हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। और इसको मीडियम हीट पे 3 सीटी आने तक मैं इसको पका लूंगी। अब देख सकते हैं, मैं कुकर को गैस पे चढ़ा दी हूँ, इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और 3 सीटी आने तक पका लेना है। देख सकते हैं, मैं कुकर का ढक्कन खोल रही हूँ। अब हमें इसे चेक कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से दाल पक चुका है, सब्जी भी पक चुका है। अभी गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल 2 चम्मच। इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, साबुत जीरा 1/4 चम्मच। जीरा हल्का ब्राउन हो गया है, तो अभी हम इसमें तेज पत्ता, खड़े गरम मसाले जैसे क्या बोलते हैं, लौंग, दालचीनी वगैरह मैं डाल रही हूँ इसमें। अभी इसमें मैं डालूंगी लहसुन, देख सकते हैं, इसको एकदम बारीक काट ली हूँ, 4-5 लहसुन के कलियों को बारीक काट ली हूँ, इसको डाल दूंगी। दो बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, 1 कटा हुआ मीडियम साइज का प्याज, इसे बारीक काट ली हूँ। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है इस तरीके से। अभी प्याज अच्छे से भून चुका है, इसमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें मसाला डालूंगी 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसकी जगह आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा गोल्की पाउडर, हल्दी बहुत ही थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी मैं सब्जी में भी डाली हूँ, तो एकदम थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। ही मसाले को भून लेना है। टमाटर को पकने के लिए इसको ढक ढक के भूनना है। मसाले और टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, तो हमें इसमें सब्जी को डाल देना है, जो बॉयल करके रखी है ना उसको। ये जो सब्जी है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है और सबको बहुत पसंद आता है, तो इस तरीके से जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसको आप रोटी, चावल, जिसके साथ भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। इसको पानी को सुखा लेना है। ये सब्जी में थोड़ा ग्रेवी अच्छा लगता है, आप चाहे तो इसको और थोड़ा सुखा सकते हैं, लेकिन इतना जो है ना वो सही है, देख सकते हैं।
अभी मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला 1/4 चम्मच। आपको अगर गरम मसाला ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। देख सकते हैं सब्जी बिल्कुल तैयार है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।